Good afternoon, friends. Today we will show you how to apply CUCET exam form online 2019. So first of all, if you want to be fill that form, so you required something. Here we will show you first of all required the application are required to fill on the details in the application form carefully. हमें सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करने के लिए उसकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है वो हमें डिटेल में केयरफुली पढ़ लेनी चाहिए. ऑन द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली द स्टूडेंट विल गेट द सक्सेसफुल कंप्लीशन मैसेज इन द ऑनलाइन केस. एक बार हम जब उसका सक्सेसफुल एप्लीकेशन फिल कर देते हैं तब हमें एक मैसेज रिसीव होगा जिसके जरिए उसके बाद में हम उस मैसेज के बाद OTP और रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें रिकॉन्सिलेशन मींस ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी और उसके बाद में हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, जिसके लिए इस एप्लीकेशन फॉर्म नियरली 8 स्टेज प्रोसेस का है. द इंटायर एप्लीकेशन इज इन एट प्रोसेस. यू कैन अप्लाई फ्रॉम द CUCET exam.in. This is also that's a website. On that one, you can apply directly. So today we will show you how to apply. Just if you will click on that site, CUCET, then you will see here such type of window. Above, you can see here the must some important instruction. First, have to validate an email ID. Keep a scan photograph and signature in JPEG format, size between 10 KB to 50 KB. This is important thing. ये एक important चीज है जिसमें 10 KB से 50 KB आपका photo या sign होना चाहिए. और keep a ATM और debit card और चालान etc. whatever you want to be submit. जो भी आप अपने आप से भरना चाहते हैं, ATM से भरना चाहते हैं तो ATM से भर सकते हैं, और नेट बैंकिंग करना चाहते हैं नेट बैंकिंग भी कर सकते हैं, और चालान जो है तो लास्ट में चालान की भी ऑप्शन दी हुई है वो भी कर सकते हैं आप. एंड आफ्टर दैट हियर वन इंस्ट्रक्शन, प्लीज चेक योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जामिनेशन शेड्यूल बिफोर द सिलेक्टिंग प्रोग्राम फॉर द वेरियस यूनिवर्सिटी. जब हम यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए कोई चीज अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर एक क्राइटेरिया होता है जिसको हम फॉर्म फिल करने के बाद में देख सकते हैं. जैसे ही हम अपने इस विंडो को ऑन करेंगे, लॉगिन डिटेल यहाँ पर हमें डालनी होगी और डेट ऑफ बर्थ. और यहाँ पर अगर हमारा फॉर्म पहले से भरा हुआ है तो एप्लीकेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर काम करेंगे. लेकिन अगर हमें न्यू रजिस्ट्रेशन चाहिए तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक हियर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन. अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, हमें फिर रजिस्ट्रेशन करने के लिए प्रोग्राम अप्लाई फॉर द किस चीज के लिए हमें अप्लाई करना है, यूजी के लिए अप्लाई करना है, पीजी के लिए अप्लाई करना है, रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, ये आप पर डिपेंड करता है आप कौन से फॉर्म को भरना चाह रहे हैं. सो जैसे ही आप जिस चीज पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको ये आपका पहला पॉइंट होगा प्रोग्राम अप्लाई फॉर दैट वन. एंड अनदर वन इज कैंडिडेट नेम, यहाँ पर आपका नाम लिखना होगा, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी, और उसके नीचे यहाँ पर आपको आपकी कंफर्म ईमेल आईडी, और उसके बाद में मोबाइल नंबर्स, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ जो के आपकी डेट ऑफ बर्थ SSC सेकेंडरी एग्जामिनेशन में जो है वही आपको यहाँ पर डालनी होगी. और लास्ट में ये जो छोटा सा एक कोड दिया हुआ है यहाँ पर वेरीफाई करना होगा. और उसके बाद में सेव एंड प्रोसेस वाला बटन पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट वाला विंडो ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको पर्सनल डिटेल डालनी होगी. कैंडिडेट नेम, टेस्ट द नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, आधार नंबर, ईमेल आईडी, व्हाटएवर ही वांट यू शुड बी सबमिट दैट वन. जो भी आपको यहां पर मांग रहा है, जैसे कि रिलीजियस, आपका जो रिलीजियस क्या है, स्टेट ऑफ द डोमिसाइल आपकी कौन सी है, ETC, व्हाटएवर, मदर नेम, ये सब चीजें आपको यहाँ पर एकदम सिंपली से आपको भरना होगी. उसके बाद में एक नेक्स्ट विंडो मींस कम्युनिकेशन डिटेल वाला विंडो है जिसके अंदर एड्रेस, ETC, पिन कोड, आपका पिन कोड इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको भरना ही होगा, और स्टेट, ETC, जो कुछ भी है आप भरना चाहिए. और उसके बाद में सेव एंड प्रोसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट विंडो ओपन होगा. आप मीन्स थर्ड स्टेज पर आ गए हैं
जैसे कि आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया है, उसके बाद में एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी भर दी है, उसके बाद में हम आ गए हैं थर्ड स्पॉट मीन्स फोटो एंड सिग्नेचर। जस्ट इसमें आप देखेंगे फोटो एंड सिग्नेचर ऑफ द एग्जाम सेंटर्स, यहाँ पर जो है तो हमें चूज फाइल करनी होगी। फाइल चूज करने के बाद में यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसमें एक इंस्ट्रक्शन दी हुई है जिसे हम बोलेंगे फोटो साइज शुड बी 20 KB to 50 KB और JPEG में होना चाहिए और दूसरा फॉर्मेट इस पे नहीं चलेगा, इसलिए PDF वगैरह कुछ नहीं चलता। तो यहाँ पर आपका 20 KB से लेकर 50 KB आपका एक फोटो अपलोड कीजिए और यहाँ पर एक साइन अपलोड कीजिए जो कि हम हर वक्त देते हैं, वही साइन जो 50 KB में हो, 10 KB से 50 KB, ये एक इसका भी कंडीशन है। और नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर जहां पर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, प्रेफरेंस आपको कौन सा देना है, स्टेट लेनी होगी पहले और उसके बाद में सिटी, फिर प्रेफरेंस सेकंड, मतलब आपका एक जगह अगर नंबर नहीं लगता है तो जब कोटा जहां वहां पर का अगर फुल होता है, मीन्स ये प्रेफरेंस इस तरह से दिया जाता है कि अगर आपको पहले जो एरिया में आपको एडमिशन चाहिए या फिर जिस यूनिवर्सिटी के नज़दीक आपको सेंटर चाहिए या फिर आपके घर के नज़दीक जो सेंटर चाहिए, उस एरिया में आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करनी होगी और उसका एरिया सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद में सेकंड एरिया ये सेम वैसा ही दूसरा सिलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर का कोटा अगर फुल होता है तो आपका नंबर मीन्स सिर्फ एग्जामिनेशन सेंटर नंबर यहाँ पर आएगा, ना कि यूनिवर्सिटी नंबर। फिर बाद में सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करना होगा। यू शुड बी सेव दैट वन अनदर वन। जब आप सेव एंड प्रोसेस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड नेक्स्ट जो विंडो खुलेगा वो इस तरह से खुलेगा, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम डिटेल। ये एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग है जिसके अंदर आपको यूनिवर्सिटी की जो है तो मेन किस तरह से क्या चीज भरनी है ये आपको दिखाया जाएगा। प्रोग्राम आपको कौन कौन से भरने हैं यहाँ पर, जैसे ही आप सिलेक्ट पर क्लिक करोगे वो सब आपको दिखाई देगा। और प्रोग्राम सेकंड, प्रोग्राम थर्ड, EDC, व्हाटएवर यू वांट दैट वन प्रोग्राम यू शुड बी सिलेक्ट दैट वन। यूनिवर्सिटी आपको कौन सी चूज करनी है, यहाँ पर पूरे 10 यूनिवर्सिटी आ जाएगी जो कि हमने लास्ट वीडियो में बताई थी कि CUCET उसका कोड क्या है वो भी बताया था, और यूनिवर्सिटी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इसके अंदर इन्वॉल्व है वो भी चीज हमने आपको बताई थी। जो अगर आप वो भी वीडियो की लिंक, अगर आपको कोड चाहिए तो वो भी वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जिसको आप क्लिक करते ही उस वीडियो को भी देख सकोगे। तो यूनिवर्सिटी थर्ड नंबर की आपको कौन से प्रोग्राम चाहिए वो भी यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप एक ही प्रोग्राम बोथ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स अगर आपको कि भाई मुझे इस यूनिवर्सिटी से ये चाहिए और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी यही प्रोग्राम चाहिए, लेकिन मैं अगर वहां पर नंबर लगा तो करूंगा या फिर यहाँ पर नंबर लगे तो यहाँ पर करूंगा, अगर आपको इस तरह से करना है तो आपको एक फीस अप्लाई करनी होगी जो कि 500 रुपये इसका फीस का चार्ज होता है। मीन्स अगर आप इफ यू वांट टू बी मल्टीपल सिलेक्ट द यूनिवर्सिटी सो यू शुड बी अप्लाई फॉर दैट वन, सो दैट वन नीड 500 रुपीज एक्स्ट्रा, ओके। और उसके बाद में चौथी यूनिवर्सिटी, मीन्स आपको जो है तो अगर आप एक्स्ट्रा सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फोर्थ यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी होगी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये यूनिवर्सिटी जब आप सिलेक्ट करोगे तो आपको जो है तो 500 एक्स्ट्रा रुपीज भरनी पड़ेगी। और उसके बाद में ये भरने के बाद आप जब सेव एंड प्रोसेस पर, इसके नीचे जो सेव एंड प्रोसेस वाला बटन दिया हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद में आपका नेक्स्ट विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप देखोगे कि ये जो है तो नेक्स्ट वाला प्रोग्राम इस तरह से ओपन होगा, एप्लीकेशन आईडी आपकी यहाँ पर आ जाएगी। आप अगर आपने यूजी के लिए सिलेक्ट किया है तो यूजी आएगा यहाँ पर लिख के, पीजी के लिए सिलेक्ट किया तो पीजी के, आरजी के लिए मतलब रिसर्च प्रोग्राम के लिए, आरपी के तो आरपी यहाँ पर आ जाएगा। और कैंडिडेट नेम, ETC, व्हाटएवर जो आपने फिल किया है इसके पहले, वो सब कुछ पूरी डिटेल आपको फिर से एक बार दिखाने के लिए यहाँ पर विद फोटो आपकी और विद सिग्नेचर दिखा दिए जाएंगी। और उसके बाद में जब आप कम्युनिकेशन डिटेल पर देखेंगे, आपका पूरा फॉर्म जो आपने फिल किया है वही फॉर्म आपका हूबहू यहाँ पर ही होगा। और उसके बाद में इस फॉर्म को फिल करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें हम इन द एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट एंड मेक अ पेमेंट और एडिट द एप्लीकेशन फॉर्म, जिसके बाद सेव एंड प्रोसेस करने के बाद हमें जो है तो एक न्यू विंडो ऑन होगा जिसमें हमें डिक्लेरेशन देना होगा कि यहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है कि मैं जो ऊपर के फॉर्म को फिल किया हूँ ये मेरे ही हाथों से फिल किया हुआ है और मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, सो आई एग्री करके यहाँ पर आपको जो है तो
एप्लीकेशन फॉर्म पूरा फिल करना होगा और यहाँ पर सबमिट एंड मेक अ पेमेंट एंड टेस्ट नेम ईटीसी व्हाटएवर जो आपने फिल किया है यहाँ पर आपका फोटो आ जाएगा, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा और यहाँ पर सबमिट एंड मेक पेमेंट जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको एक विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे वेलकम डिटेल्स। यहाँ पर आपकी वेलकम टेस्ट नेम, यहाँ पर वेलकम आपका नाम, टेस्ट नेम की जगह पर आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पर एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी और अप्लाइड फॉर द प्रोग्राम अंडर द ग्रेजुएट या फिर अंडर द ग्रेजुएट और द पीजी और द रिसर्च प्रोग्राम व्हाट एवर यू हैव सबमिटेड यू शुड सी दैट वन। और यहाँ पर आपको पे नाउ करके एक ऑप्शन आएगा जिसमें आपको क्लिक करते ही आपकी नेक्स्ट विंडो ऑन होंगी जिसके अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आपकी पेमेंट चालान के जरिए है तो चालान दीजिए, मींस इफ यू वांट टू बी सबमिट योर पेमेंट बाय द एसबीआई सो यू शुड बी गिव चालान, और इफ यू वांट टू बी पे डायरेक्टली फ्रॉम द ऑनलाइन सर्विसेज सो यू कैन पे फ्रॉम योर एटीएम डेबिट कार्ड ओवर द अनदर ऑफर इज देयर, मींस if you will fill this all form from the phone pay google pay etc जो आपको ऑफर में है तो ऑफर भी अप्लाई कर सकते हैं इसके जरिए। इस तरह से आप जो है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।